नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, नवरात्रि में किसी भी दिन अगर आपको यह संकेत मिल जाए तो समझ लेना माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो चुकी है और बहुत ही जल्द आप करोड़ों के मालिक बनने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, क्यों दोस्तों, मैं आप सभी को बता दें कि जब भी व्यक्ति के भाग्य चमकते हैं, जब भी किसी जातक के ऊपर माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है, तो दोस्तों ऐसे ही तेज त्योहारों में माँ लक्ष्मी अपने भक्तों के ऊपर संकेत देती है, अपने भक्तों के जुनकाल में ऐसे संभावनाएं देती है ताकि वह जान सके कि हम उनसे प्रसन्न हो चुके हैं और अब उनके जुनकाल में बहुत ही जल्द खुशियों की बारिश होने वाली है। जी दोस्तों, तो दोस्तों नवरात्रि का समय चल रहा है, ऐसे समय बहुत ही पावन है। माँ लक्ष्मी धरती लोक पर आकर अपने भक्तों के जुनकाल में बहुत ही बड़े चमत्कार करने वाले हैं। शायद दोस्तों आपको बता दें कि देवी के नौ रूपों की अश्मेर जब पूजा होगी, और दोस्तों माँ लक्ष्मी देवी के नौ शक्ति में से ही एक है, जो कि आपके जुनकाल में अश्मेर एक संकेत जरूर देंगे, जिन्हें समझ कर आपको जानना है कि आप बहुत ही जल्द धर्मान बनने वाले हैं। तो दोस्तों आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी, आप इन्हें बिल्कुल ही मिस ना करें। और दोस्तों इन्हें शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखिएगा कि दोस्तों ऐसे पावन मौके साल में एक बार आते हैं। जो भी भक्तगण अपने जीवनकाल में ऐसे मौके का लाभ उठा लेते हैं, माँ लक्ष्मी की संकतों को समझकर अपने जीवनकाल में कार्य करते हैं, तो दोस्तों ऐसा व्यक्ति कभी भी निर्धन नहीं रहता, हमेशा धन से परिपूर्ण रहता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको जो बात बताने वाले हैं उन्हें बिल्कुल ही मिस ना करें और ध्यान से देखिएगा। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि नवरात्रि के समय में माँ लक्ष्मी के लिए आपको कौन सा कार्य करना है, कौन सी गलती नहीं करनी है, और फिर बात करेंगे कि कौन से आपको संकेत अश्मे मिलने वाले हैं। उससे पहले दोस्तों जो भी माँ लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं, दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करिए और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा। तो आइए दोस्तों बात करते हैं, सर्वप्रथम दोस्तों जान लेते हैं कि अश्मे नवरात्रि के शुभ अंतराल में आपको माँ लक्ष्मी के लिए कौन से विशेष उपाय करना चाहिए, कौन सी बातों का अश्मे आपको ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों माँ लक्ष्मी कहती है कि हम सभी साधकों के ऊपर प्रसन्न होते हैं, परंतु साधक के जुनकाल में कुछ नियम होना चाहिए, कुछ धर्मों को लेकर जो भक्त चलते हैं दोस्तों उनके जुनकाल में कभी भी माँ लक्ष्मी रुष्ट नहीं होती है। जी दोस्तों आपको बता दें कि दोस्तों नवरात्रि के पावन त्यौहार में अगर आप माँ लक्ष्मी के लिए कुछ विशेष बातों का शुभ ध्यान रखते हैं, जी दोस्तों करना कुछ नहीं है। दोस्तों बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो कि इस त्यौहार में सभी को दान पुण्य करते हैं, गरीबों में भी दान करते हैं बहुत सारे, लेकिन दोस्तों माँ लक्ष्मी यह भी कहती है कि जो भी साधक के जीवनकाल में कुछ देने के लिए ना भी हो, वह हमारे प्रति अगर सच्चे श्रद्धा से इन बातों का ध्यान रख लेता है तो मैं उनके जीवनकाल में कभी भी धन दौलत की कमी नहीं होने देती। माँ लक्ष्मी कहती है कि जो भी भक्त अपने जीवनकाल में हमें मानता है, हमें पूछता है, हम उनके जुनकाल में कभी भी धन दौलत की कमी नहीं होने देते हैं। और जो भी व्यक्ति धन की कभी इज्जत नहीं करता, जो भी व्यक्ति धन को व्यर्थ में खर्चे करते हैं, जहां पर नहीं खर्चा करना होता है वहां पर खर्च कर देते हैं, शौक से बड़े बड़े कार्य करने लगते हैं, दोस्तों ऐसे व्यक्ति के जुनकाल में माँ लक्ष्मी कहती है कि ज़्यादा दिन तक अपना पैर नहीं रख पाती, क्यों दोस्तों व्यर्थ के जगह पर माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता है। दोस्तों हमेशा जुनकाल में सही चीज़ों पर ही आपको पैसा खर्च करना चाहिए, ये दोस्तों क्योंकि पैसा माँ लक्ष्मी है। और दोस्तों माँ लक्ष्मी को अगर आप सही जगह पर सही चीज़ों को लेकर अगर नहीं यूज करेंगे तो दोस्तों इनसे माँ लक्ष्मी का भी अनादर होता है और वह समय माँ लक्ष्मी आपके जुनकाल से रुष्ट हो जाती है। तो दोस्तों आपको अपने जुनकाल में पहला नियम यही बनाना है कि आपको कभी भी धन को व्यर्थ में खर्चे नहीं करने हैं। जो दोस्तों चाहे कुछ भी हो जाए, लोग कितना भी कह दें, लेकिन दोस्तों पैसों को आपको व्यर्थ में खर्च नहीं करना है। सबसे पहले आपको सोचना है कि यह पैसा यहाँ पर लगता है या फिर नहीं लगता है। दोस्तों खुद पर सोच विचार के करने के बाद ही आप पैसे को इन्वेस्ट कीजिएगा। और दोस्तों यह बात माँ लक्ष्मी भी कहती है कि जो व्यक्ति पैसे को सही जगह पर खर्च करता है उनके जुनकाल में पैसे की भी आवक बढ़ती है, कभी भी उनके जुनकाल में पैसों को लेकर आर्थिक तंगी नहीं रहती। जी दोस्तों, और दोस्तों इसी प्रकार आज के जुनकाल में आप देखे होंगे कि जो भी बड़े व्यक्ति हैं, जो भी धनवान व्यक्ति है, कभी भी पैसों को व्यर्थ में खर्च नहीं करते हैं। और दोस्तों जो गुणहीन व्यक्ति रहते हैं, जो मूर्ख व्यक्ति रहते हैं, दोस्तों वे पैसों को किसी को दिखाने के लालच में यहाँ वहाँ खर्च करते रहते हैं। दोस्तों इनका अर्थ यही होता है कि माँ लक्ष्मी उनके जुनकाल में आती तो है लेकिन दोस्तों ज़्यादा देर टिकती नहीं है। तो दोस्तों आपको अपने जुनकाल में बस यही करना है कि पैसों को सही जगह पर खर्च करना है। दोस्तों इस बात को आपको अपने जुनकाल में याद रखना है।
दोस्तों दूसरा जो नियम है कि दोस्तों कभी भी पेशों का घमंड नहीं करना है। जो दोस्तों आपके जीवन काल में कितना भी पेशा आ जाए, कितना भी पेशों से आप परिपूर्ण हो जाए, लेकिन दोस्तों किसी के सामने अहंकारी पूर्ण व्यक्ति आपको नहीं बनना है। हमेशा सबसे सहज तरह से व्यवहार करना है, जिसको अगर जरूरत भी पड़ जाए तो दोस्तों मौके में आपको छोटा सा हेल्प भी कर देना है। ये दोस्तों जितना आपसे हो सके, ये नहीं कि दोस्तों आप अपने दिखावट के चलते उनको हद से ज़्यादा पैसे दे दें, यहाँ पर भी दोस्तों आपको व्यर्थ के खर्चे हो जाएंगे। तो दोस्तों लोगों के हेल्प भी उतना ही करें जितना आप सक्षम हैं। ये दोस्तों इनसे भी माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। तो तीसरा जो नियम है कि दोस्तों जब भी आपके जीवन काल में पेशे आते हैं तो दोस्तों अक्सर व्यक्ति ऐसा करता है कि अपने जीवन काल में खुश रहने के चक्कर में भगवान को भूल जाता है। दोस्तों ऐसा अनर्थ कार्य व्यक्ति को जल्द ही निर्धन बना देता है। तो दोस्तों आप अपने जीवन काल में यही बात को ज़्यादा ध्यान रखिएगा कि जो भी आपके जीवन काल में पेश आए, जैसी भी आप स्थिति में हो, दोस्तों भगवान को बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों भगवान ही एक ऐसा चीज़ है जो साक्षात तो नहीं आती, लेकिन दोस्तों उनकी देवी शक्तियाँ हमारे आसपास ऐसा आता है कि हमें हर कार्यों में साहस मिलती है। इसलिए दोस्तों कभी भी आपके जीवन काल में सुख हो दुख हो, ईश्वर को जरूर याद कीजिएगा, माँ लक्ष्मी को जरूर प्रणाम कीजिएगा। कि दोस्तों अगर आपके जीवन काल में दुख है तो दोस्तों आपको यह मानना है कि यह दुख भी आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आपको आने वाले समय में बड़ा सुख मिलने वाले हैं। जी दोस्तों अगर आपके जीवन काल में सुख भी है तो इनमें भी आपको अपने आप को अच्छा मानना है, क्योंकि माँ लक्ष्मी ने आपको उस लायक समझा है कि आप इस स्थिति में हैं। दोस्तों बहुत ही प्यारा सा बात है कि माँ लक्ष्मी के जीवन काल में आपके लिए सदैव जगह है, लेकिन दोस्तों कभी भी आप अपने दिल से माँ लक्ष्मी को मत हटाइएगा और कभी भी दोस्तों अपनी खुशी में दुख में माँ लक्ष्मी को मत भूलिएगा। तो आइए दोस्तों इसी के साथ बात करते हैं कि नवरात्रि के समय में आपको कौन से संकेत मिलने वाले हैं जिनसे आपको समझना है कि आप बहुत ही जल्द करोड़पति बनने वाले हैं, माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो चुके हैं। पर दोस्तों माँ लक्ष्मी हमेशा अपने भक्त के जीवन काल में करोड़पति बनने से पहले यह संकेत जरूर देते हैं। तो दोस्तों वह संकेत कौन कौन से हैं बिल्कुल ही ध्यान से सुनिएगा। तो दोस्तों सुबह सुबह अगर आपके घर के आसपास कोई भी व्यक्ति या फिर बाहर में भी कोई भी व्यक्ति सुबह सुबह दिख जाए झाड़ू लगाते हुए, तो दोस्तों आप यह बात अपने जीवन काल में याद रखिएगा कि माँ लक्ष्मी का संकेत आपको मिल चुका है और आपके जीवन काल में बहुत ही खुशियों की आपको प्राप्ति होने वाली है। जी हाँ दोस्तों इसी के साथ दोस्तों आपको दूसरा संकेत बता दें। आमतौर पर दोस्तों घर के मंदिरों में सभी के यहाँ शंख होता है। शंख को दोस्तों बहुत ही सादर शुभ माना जाता है। हिंदू धर्म में दोस्तों मान्यता है कि माता लक्ष्मी को शंख की ध्वनि बहुत ही ज़्यादा पसंद है। इसी में दोस्तों अगर आपको सुबह सुबह किसी से आपके कानों में शंख की ध्वनि सुनाई दे तो दोस्तों समझ जाइएगा कि दोस्तों आपकी झोली अब भरने वाली है। दोस्तों बहुत ही जल्द वह पेशों से लबालब होने वाली है। आपके जीवन काल में दोस्तों जो भी पेशों को लेकर समस्याएं हैं वह खत्म होने वाली है और पेशों की बौछार अब आप सभी के जीवन काल में होने वाले हैं। जी दोस्तों आपके दिन अब बदलने वाले हैं। जी दोस्तों दोस्तों अगर आपको सवेरे सवेरे शंख की ध्वनि सुनाई दे तो माँ लक्ष्मी आपके द्वार पर आने वाली है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा इन बातों को कि शंख की ध्वनि सुनाई दे तो दोस्तों आपको तैयार होना है अपने जेब पेशों से भरने के लिए। जी दोस्तों इसी के साथ दोस्तों आपको अगला संकेत बता दें। जी दोस्तों ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिस इंसान को अपने सपने में मुकुट मुंगा हार आदि दिखाई दे या फिर दोस्तों उल्लू गाय दिखाई दे तो दोस्तों इनसे भी आप समझ जाइएगा दोस्तों आपके घर में माँ लक्ष्मी आने वाली है, माता लक्ष्मी का वास होने वाले हैं। जी दोस्तों या दोस्तों अगर कहें प्रमोशन हो सकता है, धन में वृद्धि हो सकती है, दोस्तों आपका बच्चा पढ़ाई लिखाई में और आगे बढ़ सकता है, आपके परिवार में कोई भी किसी भी कार्य में कार्यान्वित है तो दोस्तों उनका वहां पर भी प्रमोशन हो सकता है, धन में वृद्धि होने वाली है, इनसे आप समझ सकते हैं। यदि दोस्तों यह संकेत के शुभ अवसर आपको मिल सकते हैं और ऐसे संकेत मिलते हैं तो दोस्तों आप जान लीजिए कि आपके घर में माँ लक्ष्मी विराजमान है। दोस्तों आपको यह सभी संकेत दिखाई दे रहे हैं तो दोस्तों आप ज़्यादा परेशान न हो और अगर आपके जीवन काल में कोई भी समस्याएं कोई भी दुख चल रही है तो दोस्तों वह बहुत ही जल्दी खत्म होने वाले हैं और आपके घर अचानक से बहुत ही जल्दी पेशों की समस्याओं से आर्थिक तंगियों से आपके जीवन काल में हर समस्याओं से आपको छुटकारा मिलने वाले हैं। जी दोस्तों
इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि अचानक सुबह सुबह अगर आपके घर में कोई भी दोस्तों भिखारी आ जाए, कोई भी गाय को लेकर, कोई भी ऐसे चीज़ को लेकर जो कि माँ लक्ष्मी को ज़्यादातर पसंद है, तो दोस्तों आप उन्हें बिल्कुल ही खाली हाथ न लौटाएं, क्योंकि दोस्तों यह भी माँ लक्ष्मी का संकेत है आपको परीक्षा लेने की। तो दोस्तों उन्हें भी आप कुछ ना कुछ अवश्य ही दान करें जितना आपसे हो सके। इनसे दोस्तों माँ लक्ष्मी की जो भी आपकी परीक्षाएँ वो भी सफल होंगी और आपके जीवनकाल में माँ लक्ष्मी का वास हमेशा रहेगा। तो दोस्तों अगर आपको यह बातें अच्छी लगी हो या बातों को आप समझ पाए हैं तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर करें और दोस्तों कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माँ लक्ष्मी लिख दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि दोस्तों और ऐसी ही अधिक जानकारियां हम आप सभी के लिए लेकर आ सकें।